आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहुल भानुशाली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूल सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स। यस दोस्तों, फ्यूल सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स, चाहे आपका व्हीकल पेट्रोल हो या डीजल हो। और फिलहाल आज के तारीख में सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल शतक पार कर चुका है। ऐसे में आम आदमी के जेब पर ज़्यादा जोर पड़ता है और गाड़ी को मेंटेन करना भी ज़्यादा खर्चे हो गया है और ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब एक्सपेंस करना पड़ता है गाड़ी को मेंटेन करने के लिए भी। आज मैं आपको 6 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप अपनी कार का, यस, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, फ्यूल बचा के और माइलेज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो 6 ऐसी टिप्स हैं जिससे आपको फॉलो करना है और आपकी कार के माइलेज भी बढ़ जाएगी और फ्यूल भी आप सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप तक मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आती रहेगी और मैं आपके लिए हर ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँगा। जो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेगा तो आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आएगी। और जो कि फर्स्ट टिप्स है हमारा, वो है कार का एसी कम से कम इस्तेमाल करें। यस दोस्तों, गर्मी के सीजन में कार का केबिन ठंडा हो जाए उसके बाद एसी को तुरंत बंद कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉन स्टॉप मतलब एसी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा पीती है कार हमारी। तो कार का केबिन ठंडा हो जाए उसके बाद एसी को बंद कर दें, और ऐसा करने से आप काफ़ी मात्रा में फ्यूल बचा सकते हैं और कार के माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट टिप्स। और रेड लाइट पर कार को बंद कर दें। दुनिया के कई एनर्जी कमीशन के मुताबिक अगर 10 सेकंड से ज़्यादा, या कहीं आप ट्रैफिक लाइट पे या कहीं ऐसे खड़े हैं कि आपको 10 सेकंड से मतलब ऊपर तक गाड़ी खड़ी रख चालू रख के खड़ी रखनी है, तो ऐसा ना करें। उस वक्त आप कार का इंजन ऑफ कर दें। यस दोस्तों, एक ठहरा हुआ वाहन एक घंटे में 1 गैलन तक का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। पेट्रोल डीजल जो भी कह लो आप, मतलब ऑन इग्निशन गाड़ी, तो ऐसे में आपको कार का इंजन बंद कर देना है। इससे आप काफ़ी मात्रा में आप फ्यूल बचा सकते हैं और कार के माइलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टिप, कि रेड लाइट पे आप खड़े हो या किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो या कहीं पे भी खड़े हो, 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगता है तो आप अपनी कार का इंजन ऑफ कर दें, इग्निशन ऑफ कर दें। तो ये था हमारा सेकंड टिप, ओवरलोडिंग से बचे। थर्ड टिप से हमारा ओवरलोडिंग से बचे। कार में अधिकतर हम इतना सामान रख देते हैं कि जिसकी वजह से इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ता है और फ्यूल की ज़्यादा यूसेज होती है। तो कार को ऐसे एरोडायनामिक्स की तरह से बनाया गया रहता है कि इन कुछ चीज़ें हवा के स्टिक बहाव में बाधा बनती है और जिससे कार पर हवा का दबाव बढ़ जाता है दोस्तों। यस, और इसका सीधा मतलब है कि कार का माइलेज गिर जाता है। यस दोस्तों, इससे कार का माइलेज कम हो जाता है। और आपकी कार में अलग से लगे रूफ बॉक्स, जो कि हमारा रूफ होता है उसके ऊपर बॉक्स जाते हैं, तो वो सब प्रभावित करते हैं। और ऐसे में कार के माइलेज गिराने वाली एसेसरीज ना लगवाएं। और ओवरलोडिंग की बात हमने तो सिर्फ सामान की करी है, लेकिन कार में 5 पैसेंजर की तरह 6 पैसेंजर ना बैठे और 6 की जगह 7 ना बिठाएं। जैसे आप ओवरवेट हो जाता है तो भी माइलेज पे असर करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा थर्ड टिप्स। जो कि हमारा फोर्थ टिप्स है दोस्तों, वो है क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें। क्रूज कंट्रोल मतलब सभी गाड़ी में नहीं आती है, हाल फिलहाल जो नई गाड़ी आ रही है उसमें कार निर्माता कंपनियां होती हैं वो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देती है। क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा इसके लिए होता है कि आप लंबी दूरी तय करते हो और फिक्स स्पीड पे चलती है आपकी कार, तो काफ़ी मात्रा में आपका फ्यूल भी बचता है और ड्राइवर को भी आराम मिलता है, और इससे आप माइलेज भी बढ़ा सकते हैं क्रूज कंट्रोल ऑप्शन से। तो ये बेहतर ऑप्शन है क्रूज कंट्रोल वाला।
तो दोस्तों ये था हमारा फिफ्थ, क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें। बाकी पुरानी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता, और हाल फिलहाल जो कि नई गाड़ी आ रही है उनमें कंपनी दे रही है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी सड़कों पर चला रहे हैं। बाकी सिटी में क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आप लंबी दूरी तय करते हैं या नेशनल हाईवे पर चला रहे हैं तो ऐसी सड़कों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल का। बाकी जो सिटी में हर जगह पेट्रोल स्पीड बम्प्स आता है तो स्पीड लिमिट पूरी टूट जाती है, तो सिटी में ज़रूरी नहीं है कि आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकें। और समय समय पर एयर फिल्टर बदलते रहें। जी दोस्तों, समय समय पर एयर फिल्टर बदलते रहें। अगर आपकी कार का एयर फिल्टर मैला है तो एयर फिल्टर मैला है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो अनावश्यक इंजन पे जोर पड़ता है। यस दोस्तों, हमारे इंजन पे जोर पड़ता है और ऐसे में इंजन पे जोर पड़ता है और माइलेज पे भी डिपेंड करता है, माइलेज भी हमारी लो हो जाती है। तो समय समय पर एयर फिल्टर भी साफ करवाएं और समय समय पर एयर फिल्टर बदल दें, क्योंकि हवा के सही दबाव की वजह से ही इंजन हमारा अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर हवा का फ्लो सही नहीं मिलेगा तो इंजन पे जोर पड़ेगा और आपकी कार माइलेज नहीं देगी। तो टाइम टू टाइम आपको एयर फिल्टर भी चेंज कर देना है और क्लीन करवा लेना है। ये था हमारा फिफ्थ, और सिक्स्थ है हमारा जो कि स्पीड लिमिट को मेंटेन करें और टायर प्रेशर को भी चेक करें। तो ये हमारा लास्ट वाला है, तो अब मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। स्पीड लिमिट और टायर प्रेशर, ये भी हमारे माइलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी व्हीकल में टायर में अगर हवा लो है या एयर कम है तो भी इंजन पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से माइलेज कम मिलती है और इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि चारों के चारों टायर में सेम एयर हो और सही मात्रा में टायर प्रेशर हो, तो जिस वजह से इंजन पे कम लोड पड़ेगा और आपकी व्हीकल माइलेज भी देगी। और हम स्पीड लिमिट की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम स्पीड, मतलब जो सिटी में आप चला रहे हो वो स्पीड से चलाएं और हाईवे पे चला रहे हो तो वो मैक्सिमम स्पीड पे चलाएं, तो आप मैक्सिमम एक ही स्पीड पे चलाएंगे तो आपको बेहतर माइलेज मिल जाएगी। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप सबको पसंद आए हो दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सपोर्ट भी करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।